हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। फाइंड द रेशियो ऑफ यू वन अपॉन यू टू। तो एक सिस्टम दिया है और माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज ये टू आर डिस्टेंस पर दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा लंबा लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक सिस्टम है माइनस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज ये टू आर डिस्टेंस पर स्थिर है और इनके मध्य बिंदु पर एक क्यू चार्ज रखा है, पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है। इसका पोटेंशियल एनर्जी यू वन है, यस ये भी दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू ये स्थान जो है चेंज कर दिया जाए तो इस टाइप का केस आ जाएगा। ये अब सिस्टम बदल गया, दूसरा हो गया। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है यू टू है। अब ये कह रहा है कि यू वन अपॉन यू टू का मान बताइए। तो यू वन अपॉन यू टू के लिए पहले यू वन की वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर यू टू की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद रेशियो कर देते हैं। तो देखिए, तो यू वन इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, एक बार ये ले लेंगे इनके बीच और एक बार ये ले लेंगे, एक बार बाहर वाला ले लेंगे, तो तीन बार लेना है। तो एक बार ये तो हो जाएगा के क्यू बड़े के क्यू वन क्यू टू अपान आर होता है प्लस के, अब की बार ये हो जाएगा क्यू वन क्यू टू अपान आर, एक बार हो जाएगा पहला वाला और लास्ट वाला, तो दोनों निगेटिव है तो ये प्लस में आएगा भी। अब की बार विद्यार्थी, अब की बार ये डिस्टेंस कितना होगा, टू आर होगा, तो थोड़ा एक में कर लेते हैं। तो ये दोनों एक ही है तो माइनस के क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपान आर माइनस क्यू स्क्वायर अपान आर, तो माइनस टू क्यू स्क्वायर अपान आर मिल रहा है इन दोनों का। और ये हो रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर हो जाएगा। तो हम लोग अगर कॉमन ले लें यहां पे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर कॉमन ले लेंगे तो यहां आएगा माइनस टू, यहां प्लस वन बाई टू, ये आ रहा है, यस माइनस टू प्लस वन बाई टू। इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा टू एलसीएम लेंगे माइनस फोर प्लस वन, तो यह आएगा माइनस थ्री बाई टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, तो ये यू वन हो गया विद्यार्थी, तो रहने देते हैं। सिमिलरली अब हम यू टू ज्ञात करते हैं, यू टू में भी यही केस है। तो यू टू हो जाएगा एक बार इसके इसके बीच तो के क्यू गुणे माइनस क्यू अपान आर प्लस के इसके बीच के क्यू स्क्वायर अपान आर प्लस एक बार पहला और लास्ट वाला हो जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू गुणे माइनस क्यू अपान पहला और लास्ट वाला लेंगे तो टू आर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये इतना आया। तो मैं इसी वक्त जो है के क्यू स्क्वायर अपान आर कॉमन ले रहा हूं, के क्यू स्क्वायर अपान आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां आएगा माइनस क्यू स्क्वायर तो माइनस वन आ जाएगा, यहां प्लस वन आ जाएगा और यहां जो आ जाएगा माइनस वन बाई टू आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। तो यहां से ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो यू टू इक्वल टू आ रहा है माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर, अरे टू यहां आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो यू वन अपॉन यू टू विद्यार्थी आ गया, सॉरी यू वन यू टू अलग अलग आ गया। अब ये डिवाइड कर लेते हैं तो यू वन अपॉन यू टू इक्वल टू, यहां देखें के क्यू स्क्वायर अपॉन आर इसमें भी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर इसमें है, ये माइनस थ्री बाई टू, बाकी ये कॉमन वाला कट ही जाएगा और यहां हो जाएगा अपान माइनस वन बाई टू,
ये कैंसिल हो जाएगा, टू टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, थ्री आएगा बच्चों। तो ये ऑप्शन वाला सवाल हो सकता है, रहे ऑप्शन वाला रहेगा तो उसमें ऑप्शन में तीन चार दो एक इस टाइप से लिखा रहेगा, तो आपको टिक लगाना होगा किस पे, थ्री पर, इसका आंसर आएगा थ्री। तो आप बच्चों इसे कॉपी करिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर ये प्लस क्यू चार्ज है, एक वर्टेक्स पर एक प्लस क्यू चार्ज यहां है और यहां माइनस क्यू चार्ज, यहां माइनस क्यू चार्ज, स्क्वायर की साइड जो है स्मॉल ए है, और इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना है। तो बच्चों ये फाइनल स्टेट माना जाता है, इसका मतलब अगर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना है तो इसका मतलब है इसका इनिशियल स्टेट कहां पे है, इनफाइनाइट पे है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात किया जाता है तो उसका इनिशियल स्टेट कहां माना जाता है, इनफाइनाइट पे, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला केस भी होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये चीज और विद्यार्थी में भूल गया था कॉन्सेप्ट, तो यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू अपान आर होता है, ये जब दो निकाय क्यू वन क्यू टू आर डिस्टेंस पर हो तो इसका ये फार्मूला होता है। तो अगर पोटेंशियल कोई पूछ ले, ए पर पोटेंशियल अगर आपको ज्ञात करना है तो यू अपान क्यू टू होगा, इसकी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। एक डिफिनेशन यहां से भी, मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको ज्ञात है, इस सवाल में जरूरत नहीं है लेकिन ये कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग में तो बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्ञात है तो आप वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज्ञात कर सकते थे। तो ध्यान दें, अगर ए पर पोटेंशियल आपको ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको पता है, केवल क्यू टू से भाग दे देंगे तो आ जाएगा, तो ये क्यू टू क्यू टू कट जाएगा तो आया के क्यू वन अपान आर। ए पर चाहिए तो Q2 से क्या करना होगा, भाग इतना अपान Q2 करना होगा। B पे चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो इतना अपान ये करना होगा, Q1 करना होगा। तो इस टाइप से यहां आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डिफिनेशन ये भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ देखें, इसका देखें, यह है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, आपको बताया गया है फोर साइड है, तो जब फोर है तो एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू होता है पेयर जो बनता है, तो पेयर फोर गुणे थ्री अपॉन टू, टू टू द्वितीयाई छह, इसका छह जोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहां बताए हैं, कैसे आया कॉन्सेप्ट में ये भी बताए हैं। तो आप चलिए लिखते हैं, तो पहले ये लिखते हैं के क्यू वन क्यू टू अपान आर, के क्यू वन क्यू टू अपान आर, तो क्यू स्क्वायर अपान ए हो जाएगा। चलिए ये लिख चुके, अब ये लिखिए, तो अब की बार एक प्लस एक माइनस, जाहिर माइनस आएगा तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपान ए आएगा। चलिए अब की बार ये ले लेते हैं, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान ए। अब की बार ये ले लेते हैं, एक प्लस एक माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा के क्यू स्क्वायर अपान ए। ये तो इतना हो गया, अब वन टू थ्री फोर हो गया, अब दो डायगोनल बचते हैं विद्यार्थी, ये भी आपको लेना पड़ेगा तभी सिक्स होगा। इतना पेयर मिलते हैं, जितना पेयर मिलेंगे उतना उपयोग करना पड़ेगा। तो अब की बार ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में टू ए स्क्वायर, मतलब ए अंडर रूट टू इसका डायगोनल होगा, ए अंडर रूट टू इसका डायगोनल होगा। तो आर के स्थान पर अब की बार जो प्रयोग किया जाएगा ए अंडर रूट टू प्रयोग किया जाएगा। तो अब की बार ये डायगोनल के लिए लिखे, एक प्लस एक माइनस है तो आंसर तो माइनस में रहेगा, यहाँ पे माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट टू। ये वाला देखिए, ये भी प्लस माइनस है तो ये भी रहेगा माइनस में, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट टू। तो ये सबको आपको जोड़ना है और वो हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ना है तो ये हम देख रहे हैं, एक प्लस है एक माइनस, ये कैंसिल हो रहा है, और वही केस शायद ये भी है, ये भी कैंसिल हो रहा है।
अब ये दोनों सेम साइन के हैं तो जाहिर जुड़ जाएगा, तो आएगा माइनस के इंटू टू क्यू स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट टू, मतलब हर इसका डिनोमिनेटर सेम है तो जाहिर के ऐड हो जाएगा, तो यहां केवल टू लग जाएगा बस। तो इसे और सरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू क्यू स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट टू, तो इससे ये कर सकते हैं। तो माइनस के इंटू अंडर रूट टू क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आया ऑफ दिस सिस्टम का, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी देखें ये तीसरा सवाल, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यूब, एक क्यूब दिया है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमको ज्ञात करना है, और प्रत्येक एवरी वर्टेक्स पर क्यू चार्ज है और साइड की लेंथ है स्मॉल ए, स्मॉल ए है। अब इसको पूरी तरह समझना है तो इसमें कितने होते हैं साइड, ये ट्रिंगल में थ्री होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से इसमें कितने होते हैं एट होते हैं, एट साइड होते हैं, तो नंबर ऑफ पेयर पहले आप ज्ञात करिए कितना बनेगा। तो ये कठिन सवाल है, सब कुछ मैं कंसेप्टुअल बता दे रहा हूं, नंबर ऑफ पेयर कितना बनेगा, पेयर के लिए फार्मूला होता है एन टू एन माइनस वन अपॉन टू, यहां पे ढूंढने में होगी परेशानी तो इसमें रखिए। तो आठ एट इंटू एट माइनस वन सेवन अपॉन टू, टू फोर आर एट हो जाएगा, तो चार सत्य अट्ठाईस, तो ट्वेंटी एट पेयर मिल रहे हैं आपको, तो बताइए 28 पेयर ऐसे लिखेंगे तो सवाल कितना कठिन हो जाएगा, तो ध्यान दें तो 28 पेयर मिलेंगे। अब इसमें कितने साइड हैं ये बताइए, जैसे एक साइड ये है, ये डिस्टेंस वाला, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, तो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, कितना साइड मिलेगा, इस टाइप से गिनेंगे तो साइड, साइड की लेंथ तो हर साइड की लेंथ क्या है ए ए है, और साइड मिल रहा है टोटल नंबर ऑफ साइड मिल रहा है, नंबर ऑफ पेयर साइड वाले का पेयर कितना है वो 12 मिल रहा है हमको, आप गिन सकते हैं 12, तो चार ऊपर मिल रहा है ये, चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो 12 मिलेगा इसमें, 12 पेयर है केवल साइड वाले, इतना ये इस टाइप से ये फिर ऐसे मिलेंगे, फिर इधर वाले कुछ सब जुड़े रहेंगे ऊपर नीचे जुड़ेंगे, ये जो साइड की संख्या बाबू ये मैं कह रहा हूं ये कितना मिलेंगे टोटल, जो ए डिस्टेंस वाला है ये सब, ये कितना है टोटल 12 है, टोटल 12 साइड है। अब इसकी लेंथ कितना है ए, तो यहां साइड की लेंथ ए है, कितने हैं 12, 12 हो रहे हैं। अब आइए फेस डायगोनल कितना होंगे, तो 12 ये मिल रहे हैं अगर, तो फेस डायगोनल देखें एक ये और एक ये, तो दो एक पे मिल गया, तो टोटल 6 है, तो 6 दोनी 12, तो फेस डायगोनल भी इस टाइप का जो केस आएगा, यहां भी दो होगा, यहां भी दो होगा, और यहां भी दो होगा, इसके नीचे वाले भी दो होगा, हर जगह फेस डायगोनल, तो क्यूब में कितना होता है 6 दूनी 12, इस टाइप का 6 तल अगर मिल रहा है आपको, इस टाइप का 6 तल मिलेगा, इसमें 6 प्लेन मिलेगा, तो 6 मिलेगा, तो 6 दूनी 12, तो फेस डायगोनल की संख्या हो गई 12, और फेस डायगोनल के विकर्ण की लंबाई होगी, डायगोनल की लेंथ होगी ए अंडर रूट 2 हो जाएगी। हाँ तो ये आपको ध्यान देना है, ए अंडर रूट 2 जिनको नहीं आता है वो अलग से स्क्वायर बना ले, ये ए है, ए है, ये कितना हो जाएगा ए अंडर रूट 2 हो जाएगा, जिनको आशंका है वो यहां ये करें। अब फिर आइए मेन डायगोनल, मेन डायगोनल का मतलब होता है इसका अपर वाला इसका लोअर वाले से मिलाएंगे, और इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाले से मिलाएंगे, मेन डायगोनल इस टाइप से मिलेगा 4 मिल जाएगा, तो 12 12 24 4 28 आपका पेयर बन जाएगा यहाँ पे। तो कठिन सवाल है, कठिन नहीं है, कठिन मतलब फिगर में आपको हर चीज समझना है, आप एक बार देख लेंगे कोई शेप में तो आपका काम चल जाएगा, जैसे यहाँ पे है ये प्लेन इस टाइप से डिब्बा है विद्यार्थी, ये वाला देखिए इसी टाइप का आप समझिए ये, तो मेन के लिए एक बार इस कोने से इस कोने मिलाएंगे, और एक बार इस कोने से नीचे मिलाएंगे, यहां से इसको मिलाएंगे, यहां से इसको नीचे मिलाएंगे, तो ऐसा डायगोनल मिलेगा कितना 4 इस टाइप से मिल जाएगा, ये क्यूब तो नहीं है लेकिन अगर सब कुछ सेम होता तो ये क्यूब होता। यस
और 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 है, तो 6 है तो इसका जो डायगोनल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6 × 2 = 12 मिलेगा। नंबर ऑफ पेयर जो मिलेगा फेस डायगोनल वाला 12 मिलेगा और ये वाला 4 मिलेगा। तो सब कुछ क्लियर है, कोई आपका इस टाइप का फिगर मिल जाएगा तो ये असली दर्शक देखें। अब बस खत्म हो गया। हाँ एक चीज और बचता है, ये मेन डायगोनल का ये कितना आएगा, मेन डायगोनल ये वाले का ये वाला कोना मिलाओगे कितना आएगा, तो ये ए रूट टू हो गया है और इसका ए और उठा रहेगा तो ए रूट टू और ए, ए का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2a² तो हो जाएगा 3a², उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा a अंडर रूट 3 आएगा। तो ये काफी अच्छा सवाल है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, हर जानकारी हो जाएगा। अब इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो आएगा k, पहले साइड वाला k q² अपॉन a, क्या करेंगे इसमें 12 से गुणा कर देंगे, तो चाहे 12 इनिशियल शुरुआत में ही लिख दो 12 × k³ / a, क्योंकि यही सेम वैल्यू जो है 12 टर्म है दिया हुआ है, 12 लगा दिए, यहां भी 12 लगा देंगे प्लस 12 × k³ / a, a के आसान पे डिस्टेंस क्या रहेगा अंडर रूट 2 a, और लास्ट में आपका ये रहेगा 4 × k³ / a, a के स्थान पे अंडर रूट 3। तो अब विद्यार्थी इससे जुड़े में कोई दिक्कत नहीं, आप जोड़ लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट हमें बताना था, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, वो जेई लेवल का है, तो आप इस पर पैनी नजर रखें, तो आप इसे कॉपी करिए। हाँ विद्यार्थी, चौथा प्रॉब्लम देखा जाए, वो बहुत अच्छा है प्रॉब्लम। चौथे प्रॉब्लम ये है बच्चों कि Q1 Q2 चार्ज है, ये ओरिजिन से ये 3 मीटर दूरी पर ये है और Q2 वाला चार्ज भी ओरिजिन से 3 मीटर दूरी पर इस साइड है, बाई तरफ है, और ओरिजिन से वो दाहिनी तरफ है। एक थर्ड चार्ज Q3 है, यहाँ पे थर्ड चार्ज Q3 है और ये ओरिजिन से 4 मीटर डिस्टेंस पर है। तो अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ आपको मिल सकता है, मतलब दिया था क्वेश्चन इतना है, तो ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये डायगोनल कितना आएगा 5, ये भी डायगोनल कितना आएगा 5। प्रॉब्लम हल करने के लिए मैं बता रहा हूं। एक चीज और, Q3 चार्ज यहां एट रेस्ट पे है, क्या है अभी रेस्ट पे। अब देखें Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, Q1 बराबर Q2 ये है 2 μC, ये दोनों पॉजिटिव है, एक काम तो ये हो गया आपका, दोनों पॉजिटिव है और Q3 चार्ज -4 μC, ये क्या हो गया, ये निगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो या 2 × 10⁻⁶ कूलाम कह दीजिए चाहे तो, इसे -4 × 10⁻⁶ कूलाम कह दीजिए। चलिए अब यह माइक्रो में झंझट नहीं रह गया, हाँ इतना है। और Q3 चार्ज जो है यहाँ पे कितना V = 0 लिखा है, रेस्ट पे है। अब ये कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट रीचेज द ओरिजिन, ये Q3 चार्ज जब ओरिजिन में पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो विद्यार्थी आपको ध्यान देना चाहिए, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है और बराबर है, इक्वल है, और एक Q3 चार्ज है वो नेगेटिव है, तो ये दोनों चार्ज से क्या करेंगे अपनी तरफ खींचेंगे, और दोनों बराबर इक्वल फोर्स लगाकर खींचेंगे, इक्वल फोर्स इसलिए लगाएंगे कि ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो ये अपने अपने रास्ते पर खींचेंगे दोनों लोग इक्वल, तो मजबूरन Q3 चार्ज को इस रेखा पर नीचे की ओर आने पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये जैसे जैसे यहां आएगा इनिशियल वेलोसिटी का मान बढ़ता चला जाएगा, तो जो इसका फाइनल केस हो जाएगा वो ये हो जाएगा। फाइनल केस क्या होगा, ये हो जाएगा, यहां हो जाएगा Q2, यहां हो जाएगा Q1 और ओरिजिन पे आ जाएगा कौन Q3, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, और यहां पे आ जाएगा जब उसका, यहां पे जब वो पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, हम मान ले रहे हैं वी हो जाएगा। यही तो हमसे ज्ञात करना चाहता है, यही तो हमें चाहता है कि हम बताए कि यहां पर पहुंचने पर यहां वो चल चुका है तो यहां स्पीड कितना होगा, यहां स्पीड कितना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से लगाना पड़ेगा,
फ्रॉम फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल इनर्जी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो यू आई प्लस के आई मतलब इस सिस्टम का इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू एफ प्लस के एफ ये हो जाएगा। हाँ विद्यार्थी एक चीज हम भूल गए हैं, इसका मास दिया हुआ है, हम आपको देकर बता रहे हैं। तो हाँ विद्यार्थी जो थर्ड चार्ज था Q3 कितना है -4 माइक्रो कूलम, इसका जो मास दिया है 1 ग्राम दिया है, 1 ग्राम दिया है तो 10^-3 केजी हो जाएगा, मतलब सबको मैं बदल लिया। तो अब आगे देखिए, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्लास 11th में पढ़े होंगे कि किसी बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी और गति काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या सम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो वही हो गया। तो इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वैसा केस आ गया यहां वेलोसिटी आएगा तो आप जाहिर काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करना ही पड़ेगा। तो ये थ्योरी लगाए, तो प्रारंभ में काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल वाले केस का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हम वैल्यू रखते हैं, अब देखे इनिशियल में मतलब इस वाले केस का फॉर्मूला लिख रहे हैं, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो इस चार्ज का देखें K Q1 Q2 K Q2 Q3 / 5 ये हो जाएगा। अब ये वाले का देखिए K Q1 Q2 / K Q1 Q3 / 5 हो गया। अब आपकी बार ये सिस्टम देख लीजिए K Q1 Q2 / 6 हो गया और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों, 0 होगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में ये थर्ड चार्ज क्या है एटरेस्ट पे है। चलिए ये हो गया, इनिशियल वाला काम खत्म हो गया। अब फाइनल का यही केस देखा जाए, फाइनल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल मतलब ये थर्ड चार्ज Q3 विद्यार्थी कहां आ गया, ओरिजिन पे आ गया। अब तो फाइनल वाला फिगर आपका ये हो जाएगा, तो अभी इस दशा में बोलना है। तो चलिए बोलिए, तो K Q2 Q3 / 3 ये निगेटिव साइन से यहां लेना देना नहीं है, डिस्टेंस का निगेटिव नहीं लिया जाता, चार्ज का निगेटिव लिए लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस ये बता रहे कि इस तरह है, ये उधर है, टोटल डिस्टेंस ये 3 आया, ये हुआ। अब अगली बार इनका देख लेते हैं, K Q1 Q3 / 3 ये डिस्टेंस कितना है, 3 आया। अगली बार पहले वाला लास्ट कर लेते हैं, K Q1 Q2 / 6 हो गया और पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये Q3 चार्ज यहां आ गया वी स्पीड से, तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा आपकी बार। तो हम देख रहे हैं विद्यार्थी ये वाला और ये वाला सेम हो रहा है, तो सेम हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, अब तो हमें वैल्यू रखना ही होगा, अब तो हमें वैल्यू रखना ही होगा। तो चलिए के हम एकदम कॉमन ही ले ले रहे हैं, के हम कॉमन ही ले रहे हैं सबका, चाहे तो सबका लाके यहां पे रख दो या वैल्यू रखते चलो, के इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी, ये चारों को एक तरफ करना है हमको, तो मैं के सबके लिए काम ले गया 9 × 10^9 लास्ट में वैल्यू रखना है। तो पहले Q2 Q3 की वैल्यू रखो, Q2 कितना है, Q2 Q3 Q2 तो 2 × 10^-6 है, यस, और Q3 कितना है, Q3 है -4 × 10^-6 चलिए अपान चलिए के Q1 है 2 × 10^-6 Q3 कितना है -4 × 10^-6 / 5 हो गया। तो ये दोनों लोग साफ क्लियर हो गए, अब ये दोनों लोगों को और ले आना, के मैं बाहर ले लिया हूं तो अब की बारी आएगा यहां से ही माइनस लग जाएगा, ये इधर आ रहे हैं। Q2 Q3 कितना है, Q2
तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ और Q3 है −4 × 10⁻⁶ अपॉन 3। ये माइनस बाहर है, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। अब इसको भी उस तरफ ले जाना है तो जाहिर है यहां ऋण चिन्ह लगाना होगा और k तो कॉमन हो गया है। Q1 है 2 × 10⁻⁶ और Q3 है Q3 है −4 × 10⁻⁶ अपॉन 3। ये हो गया, तो इतना इसका हो गया। ये हो जाएगा ½ m 10⁻³ और v स्क्वायर हो गया विद्यार्थी। इतना ये कैलकुलेशन करना है। यहाँ k लिख दिए हैं, k तो कॉमन ले चुके हैं। अभी एक चीज और, 10⁻½ यहाँ भी है, 12 घात वो भी पावर ले लेते और k की वैल्यू रख देते 9 × 10⁻⁹ ये चीज ये भी कॉमन मिल रहा है सब में। तो 4 × 8 −8 / 5 मिल रहा है। यहां देखिए क्या है, ये 2 होगा तो माइनस, यहां भी −8 / 5 मिल रहा है इसमें। यहां देखते हैं तो −8 और ये हो जाएगा +8/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 × 8 यस, ये भी +8/3 हो जाएगा। इतना आया, ये 1/2 × 10⁻³ और v स्क्वायर, इतना आ रहा है कैलकुलेशन विद्यार्थी। ये अब क्या किया जाए, अब के लिए थोड़ा सा हमें जगह चाहिए। क्वेश्चन आप उतार लिए होंगे तो आप देखें इसे। हाँ तो विद्यार्थी ये है कि हाँ 9, ये 12 में से 9 गए −3, तो मतलब ये मिला के −3 ये हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, केवल इतना ही बच रहा है। तो आप चाहे तो ये 9 × 18 यहाँ कर दे, 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 इन ब्रेकर। अब ये देखो −8 − 8 = 16 −16/5 हो रहा है और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे +16/3 हो रहा है। 8 × 3 = 8 / 3 तो 8 × 2 = 16/3 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा क्या, v स्क्वायर। इतना हम लोग किए, तो चलिए ये 15 LCM हो जाएगा, 5 × 3 = 15 + 3 = 48 और 3 × 5 = 16 / 25 = 80 तो v स्क्वायर आ रहा है। ये 18 है भाई, यस। बहरहाल इतना आया, तो 18 और ये 2 हो जाएगा, 7 × 3 हो जाएगा v² यस विद्यार्थी। तो ये इसका कैलकुलेशन बच्चों आप कर लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन v को इसका स्क्वायर रूट, ये 16 × 32 हो जाएगा। तो पूरा कैलकुलेशन नहीं लिखिएगा, 32 का 16 × 2 कर लेंगे तो 18 × 36 तो ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन 15 का पूरी तरह कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो डेसिमल में आएगा, तो ये नियर अबाउट 6 के आसपास आएगा, 6.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा आपका आंसर 6.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप स्क्वायर रूट कर लीजिएगा, इतना आएगा विद्यार्थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट पर विद्यार्थी हम सवाल लगा चुके। अगर किसी सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछता है तो आप जानिए वो फाइनल पोजिशन है, उसका इनिशियल पोजिशन कहाँ है, इनफाइनाइट पे है। और अगर दो सिस्टम नजदीक में दिया है तो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात किया जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए और आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।